इंडिया, हम देशभक्ति की बात करते हैं। इनफैक्ट मैं सर से और मैडम से यही बोल रहा था, देशभक्ति इज नॉट इंडियन आर्मी। जो आपके टीचर्स हैं, जो रोड साफ कर रहा है, जो गाड़ी चला रहा है, जो बस चला रहा है, सब देशभक्ति कर रहे हैं, सब इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सब इंडिया के प्रोग्रेस की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ यू हु विल जस्ट डिफेंड। आगे बढ़ाता देश को आप सब हैं। ठंड होगी बॉम्बे में सुबह सुबह? आई हैव कमांडेड, मैं अभी सियाचिन ग्लेशियर से उतर के यहाँ पर पोस्टिंग आया हूँ। आज सुबह 5 बजे मैंने अपने एक पोस्ट पे बात करी थी यहाँ से मोबाइल पे, उधर का टेम्परेचर आज सुबह -62 था, -62। इट इज अ टॉर्चर, बट कोई स्कोप नहीं है, कोई वी कांट हेल्प इट, somebody has to do that job, somebody has to do this job. To give you an overall view, आप में से जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं बाद में, वन ऑफ द मेजर ऑप्शन इज 12वीं क्लास के बाद या 12वीं क्लास के दौरान, जब 12th में होते हैं उस टाइम एक NDA का CDS एग्जाम होता है, कॉमन डिफेंस सर्विसेज, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, उसके बाद आप 12th के बाद ज्वाइन कर सकते हैं और सिमिलरली ग्रेजुएशन के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 12th के बाद करेंगे तो NDA में फौज आपको ग्रेजुएशन करवाएगी, और अगर सिविल से ग्रेजुएशन करके आते हैं तो डायरेक्टली आप ऑफिसर में जाएंगे। ये ऑफिसर कार्डर के लिए, क्लर्क्स एंड जवान्स के लिए 12th के बाद या 10th के बाद आप ज्वाइन करते हैं। टू गिव यू मैग्नीट्यूड ऑफ द होल थिंग, जब मैंने एग्जाम दिया था 97 में तो मेरा रोल नंबर 5,33,000 कुछ था, लगभग 7.5 लाख स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन के बाद, मैं ग्रेजुएट बाहर से करके आया था, इनफैक्ट मैंने PG करके आया था, तो लगभग 7.5 लाख बच्चों ने ऑल इंडिया में एग्जाम दिया था CDS का उस साल में 97 में। उसमें से रिटर्न हमने क्लियर किया था अराउंड 13,500, तो 7.5 लाख में से 13,500 को निकाला और इनको फिर भोपाल, इलाहाबाद और बैंगलोर में इंटरव्यू के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया। 3 महीने तक इन 13,500 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू हुआ, जिसमें से हम लोग 217 मेडिकली और इंटरव्यू में क्लियर हुए थे जो हम एकेडमी में गए। तो 7.5 लाख कितने बचे? 217। अब अकेडमी इज अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस, वहां सब कुछ जायज है, बहुत रगड़ा लगता है, और जो माँ बोलती है ना, गर्म के ऊपर ठंडा नहीं पीना, ठंडे के ऊपर गर्म नहीं पीना, वहां दोनों हाथों से पीते हैं। इट्स अ डिफिकल्ट प्लेस। आउट ऑफ 217 वी वर 171 हु पास्ड आउट एज ऑफिसर, तो लगभग 50 लोग एकेडमी छोड़ के चले गए थे कि ये नहीं हो सकता। सो बिकमिंग an army officer is not that easy, but it is not that difficult also, it is not impossible. aaj maine bataya apni post pe, jab maine baat kari ki main school mein aa raha hu, aur post pe lagbhag 8 ya 9 jawan hote hain, jo forward post hai Siachen glacier mein jo post hai, ek post pe 8 ya 9 jawan hote hain, mere paas 26 post thi battalion ki, 26 post 8 महीने बर्फ से कट ऑफ रहती है, ना उस पर कोई आ सकता है ना उस पर कोई जा सकता है, तो 8 महीने तक हमारा जवान वही 8 लड़कों के बीच में रहते, वही खाना है, वही बनाना है, वही सोना है। लगभग 42 फुट बर्फ पड़ती है, 42 फीट अप्रॉक्सीमेटली, डिपेंडिंग ऑन द ईयर 5 फुट ऊपर नीचे, डजंट मैटर, तो सारी रात बर्फ पड़ती है और सारी रात जवान बेलचे से अपने जहां पर रहते हैं उसके ऊपर से बर्फ हटाते रहते हैं, नहीं तो वो बैठ जाएगा, टूट जाएगा। अपने आप को गर्म रखने के लिए ये भी एक तरीका है, आग नहीं जला सकते खुले में, बिकॉज सामने से पाकिस्तान विल फायर। आपने किसी ने उड़ी मूवी देखी है?
काफियों ने देखी होगी, काफी यू मस्ट वॉच इट, इट्स अ रियल स्टोरी और बहुत ही उम्दा तरीके से फौज को, फौज के सही ऑपरेशन दिखाए गए हैं, नहीं तो फौज को या तो हीरो बना देते हैं एकदम ही डाउन कर देते हैं। बहुत सही तरह से मूवी बनाई गई है। हालांकि इसमें दिखाया गया है कि जो सर्जिकल टीम अंदर गई थी उसमें एक ही ऑफिसर इन्वॉल्व था, ऐसा नहीं है, इसमें हर एक टीम पे एक एक ऑफिसर था। आई नो बिकॉज आई वॉज इन्वॉल्व इन दिस ऑपरेशन इन द प्लानिंग फेज एंड यकीन मानो इंडिया इज इन सेफ हैंड्स, इंडियन आर्मी विल डू वेल टू डिफेंड द नेशन। आप लोग जहां पर भी जाओगे प्लीज वर्क टुवर्ड्स द कंट्री, एरिया साफ क्लीन रखो और हाथ में जो झंडे हैं ये 26 जनवरी के बाद जमीन पर नहीं फेंकने हैं, ठीक है, इसको घर पे रखना अच्छी तरह से। ये नहीं कि आज से बाहर जाते जाते झंडों का झंडे की बेइज्जती नहीं करनी। एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, इट वॉज एन एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, सब कुछ किया, इट वॉज ब्रिलियंट, एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच।